नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी पीटी के लिए। अब सिर्फ एक दिन रह गया है। तो अभी तक इस चैनल पे हमने अप्रैल तक का सारा करंट अफेयर डाल दिया था, जिसका सिर्फ मई का रहता था। तो मई का आज मैं डालने जा रहा हूँ। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले कई दिनों से मैं बीमार चल रहा था, आज थोड़ा ठीक फील हुआ तो सोचा आज वीडियो बनाता हूँ मई के करंट अफेयर्स पे। तो कुल 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में आप एक बार पूरे टेस्ट से गो थ्रू होइए और देखिए आपका कितना सही होता है। जितना भी आपका सही होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करें। और चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2018 का विषय क्या है। आपको ये बताना है कि इसका सब्जेक्ट क्या था। इसको अंग्रेज़ी में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे। अपना आंसर आप कॉपी पेन पे नोट डाउन कीजिए, या अपने साइड अपने दिमाग में ही आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपका कितना सही कितना गलत हो रहा है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए, पहला का जवाब है सी, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए श्रमिकों को एकजुट करना। ये इस बार का थीम था श्रम दिवस का। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब है 2 का B, वाराणसी सही जवाब है इसका। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो वहाँ पर मनाया जाएगा, वाराणसी में। तीसरा सवाल आपके सामने, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया। थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लोग काफ़ी टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आमतौर पर जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, इनका एज अधिक होता है। चलिए, इसका सही जवाब है ए, राकेश रोशन। 3 का A सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ने में अपशिष्ट से धन और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपशिष्ट से धन और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना, स्वच्छ भारत ऊर्जा योजना, ऊर्जा संरक्षण योजना, ऊर्जा उद्गम योजना या गोबर योजना। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप जवाब दीजिए। सरकारी योजना सभी को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। चलिए, इसका जवाब है 4 का E, गोबर योजना। थोड़ा इसका आप सवाल में ही जवाब इसका छिपा हुआ था। निम्नलिखित में से किस साधन में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को निवेश करने की इजाज़त दी है ना। अभी तक बाहरी लोग निवेश नहीं करते थे, अब बाहरी लोग भी निवेश करेंगे, वो क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज, वाणिज्यिक पेपर, इसे कमर्शियल पेपर भी कहा जाता है, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल से सरकार फंड रेज करती है, पैसा रेज करती है। इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो अलग अलग होती है, जैसे 90 दिन भी होता है, 180 दिन भी होता है, 360 दिन भी होता है। तो अभी तक जो इसमें जो ट्रेजरी बिल का जो लोग खरीदते थे वो अपने देश के ही लोग होते थे, पर अब क्या है, अब बाहरी लोगों को भी अलाउ कर दिया गया है ख़रीदने के लिए। जैसे अभी अगर जो लोग इकोनॉमिकल या जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बात को सुने कि अभी थोड़ा टाइम पहले चाइना ने अमेरिका के बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेजरी बिल को ख़रीदा है। अब इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो बाद में पता चलेगा, और जो लोग इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं कि किसी कोई देश अगर किसी दूसरे देश के ट्रेजरी बिल को बहुत बड़े अमाउंट में ख़रीद रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। पर अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि रिज़र्व बैंक ने अब ये अलाउ कर दिया है कि बाहरी इन्वेस्टर भी जो है ट्रेजरी बिल में आकर पैसा लगा सकता है। अगले सवाल पर चलें, भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए, अपनी साइड पर नोट डाउन कीजिए। चलिए, इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र खूंटिया। इनको IRDA में ये बन गए हैं अब अध्यक्ष।
तो ये बात को भी आप नोट डाउन कीजिए। अच्छा, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आप कीजिए। देखिए, ये जनरल नॉलेज है, इसमें कोई अप और डाउन नहीं होता, ये मैथ का या रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। अभी जो कल परसों जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पावर लिमिटेड का असिस्टेंट का पेपर, उसमें भी जनरल नॉलेज का सवाल आया था और इस तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे। तो उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चन था, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मेरे पास आए, उन्होंने बताया जो मुझे अभी याद आता है, जो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पूछा गया कि आसफ़ुद्दौला ने अवध की राजधानी कहाँ बनाई थी, एक सवाल ये था। उसके बाद एक सवाल ये था कि 26 जनवरी जो झांकी होती है ना, उसमें झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया, ये सवाल था। और सवाल था इसमें कुछ ऑप्टिकल फाइबर का भी कुछ सवाल पूछा गया जीके से, और पूछा गया कि भारत में सबसे लंबा तट, मतलब कोस्ट लाइन, समुंदर से लगा हुआ जो इलाका है वो किस राज्य में पड़ता है, ये एक सवाल पूछा गया। तो अभी जो पेपर आया था बिहार पावर लिमिटेड का, वो मतलब पेपर ऐसा था कि जो आपने अगर अच्छी तरह से थोरली पढ़ा हुआ है तो वो पेपर किया जा सकता है। अब वो पेपर जो मैं आपको करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स, इससे ईजी था वहाँ पे, और जो मैं वो करवा रहा हूँ बीपीएससी में ऐसा ही आएगा। बीपीएससी का पिछला पेपर ही मेरे पास है, उसका पिछला पेपर ही मेरे पास है, तो बीपीएससी का स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ क्वेश्चन वो मुझे मालूम है। और जहाँ तक जीके का सवाल है, यहाँ पर कोई अप और डाउन जैसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब आईआरडीए का अगर आना होगा अध्यक्ष का, तो बस सवाल यही बनता है, इसको और घुमाया फिराया नहीं जा सकता है। जैसे मैथ में हम घुमा फिरा के क्वेश्चन को टफ बना दे सकते हैं, पर जीके में वैसा पॉसिबल नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल देखिए, 2016 में पीएम 2.5 के स्तर के मामले में किस देश में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14, इसे थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, 14 यहाँ पर शहर लिखना, 14 सिटी इसमें लिखना चाहिए था, 14 शहर थे, मतलब कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित में से 14 उसी देश के अंदर थे शहर, तो ये आपको बताना है। ये तो अभी हाल में न्यूज़ में बहुत आया था। इसका सही जवाब है 7 का इंडिया, और इसमें जो गंदे शहरों में जो पीएम 2.5 वो जो होता है वो हवा में धूल कण वगैरह होता है, तो इसमें जिन जो शहर थे इसमें उनके नाम आप याद करके जाइएगा, जैसे दिल्ली था, कानपुर था, बनारस था, बिहार के पटना गया और मुजफ्फरपुर का नाम था, तो उन सभी शहरों के आप नाम याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, भारत में कौन सा देश सैन्य मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन के स्थापित, अच्छा भारत और किस देश के बीच सेना का हॉटलाइन जो है तो स्थापित किया गया, जैसे हॉटलाइन पे दोनों देश के जो ऑफिसर होते हैं सेना के, उनके बीच बात होती कई बार टेंशन में या किसी भी तरह से जो भी ज़रूरी बात होती वो होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, हॉटलाइन अभी अभी बनाया गया, श्रीलंका, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जिसका सही जवाब है बी, चाइना। पाकिस्तान के साथ जो हॉटलाइन है वो इंडिया का पहले से ही है, इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिसर जब जब ज़रूरत पड़ती आपस में बात करते हैं, पर अभी जो चाइना के साथ भी थोड़ा टेंशन चल रहा है आप लोगों को मालूम होगा, तो चाइना के साथ भी हॉटलाइन मतलब सेट किया गया है, ताकि कई बार कन्फ्यूजन में कोई ज़्यादा टेंशन ना क्रिएट हो जाए, हॉटलाइन से ऑफिसर आर्मी के सेना की आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कितने स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, मतलब कितने एम्स नए खोलने की इजाज़त दे दी गई है सरकार के द्वारा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अपने साइड पर पेन पेंसिल से नोट डाउन कीजिए या दिमाग में कैलकुलेट करके रखिए। चलिए, इसका सही जवाब है 20, कुल 20 नए एम्स के लिए प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। दसवां सवाल देखिए, भूमि स्वामित्व दस्तावेज ऑनलाइन जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, मतलब जो डॉक्यूमेंट हैं आपके ज़मीन के पेपर के उनको किया गया है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया है। जी, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने अपने जो के अंदर भूमि स्वामित्व को लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको ऑनलाइन किया है।
ग्यारहवां सवाल, निम्नलिखित में से किस अकादमी ने साहित्य 2018 के नोबेल पुरस्कार को रद्द किया है? आपको इसको सही जवाब देना है। रूसी, कनाडाई, स्कॉटिश, चीनी, स्वीडिश। चलिए इसका सही जवाब है स्वीडिश ने रद्द किया है, नोबेल पुरस्कार के साहित्य वाले जो पोर्शन था उसको रद्द कर दिया गया है, बाकी सब में नोबेल पुरस्कार मिलता रहेगा। देखिए FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत की स्थिति क्या है? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसमें जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक आपको बताना है। चलिए इसका सही जवाब मैं देता हूँ, सही जवाब है 11वां रैंक है FDI अंदर भारत का। 13वां सवाल देखिए, 15वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश का नाम दें। एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर था? 15वां ऑप्शन आपके सामने है, आप सही जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब है ए इंडिया, इंडिया में हुआ था यह शिखर सम्मेलन। 14वां सवाल देखिए, गूगल क्लाउड इंडिया के प्रमुख के रूप में क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन बताइए, अपने दिमाग अपने साइट पर नोट डाउन कीजिए। जैसे गूगल क्लाउड सिस्टम आपको पता होना चाहिए, वो जो हम कहीं कहीं अपना डाटा कहीं और, जैसे गूगल ड्राइव जो है वो गूगल क्लाउड पे ही काम करता है। इसका सही जवाब है बी नितिन बावनकुल। 15वां सवाल देखिए, फ्लिपकार्ट में $16 बिलियन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 77% हिस्सेदारी खरीदने का एग्रीमेंट हुआ है? ऑप्शन आप सभी आपके सामने हैं, आपको बस ये बताना है कि फ्लिपकार्ट के अंदर 77% हिस्सेदारी $16 बिलियन खर्च करके कौन सी कंपनी खरीद रही है। पांचों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने सही जवाब चुनिए और नोट डाउन कीजिए अपने साइट पे। चलिए सही जवाब है ई वॉलमार्ट, वॉलमार्ट खरीद रही है। 16वां सवाल, मलेशिया में दुनिया के सबसे अधिक उम्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं? अभी अभी इलेक्शन हुआ थोड़ा टाइम पहले मलेशिया में, और जो वहाँ के जो पहले के प्रधानमंत्री थे नजीब रजाक, उनकी छुट्टी हो गई और नए प्रधानमंत्री वहाँ पर बने हैं, और उनका ये है कि वो 1993 के हैं जहाँ तक मुझे याद आता है। तो ये दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री बने हैं और इनका नाम आपको बताना है। चलिए इनका नाम है महाथिर मोहम्मद, 16 का ए आंसर है। और इनके बारे में बता दूं कि जब मलेशिया सबसे पहले, जब आज भी से 15-20 साल पहले जब डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा था, तो उस टाइम भी प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ही थे, तो ये कोई पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, 17वां सवाल है कि स्मृति ईरानी की जगह नए सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में किसने भार संभाला है? मतलब कौन है नए ऊर्जा सूचना प्रसारण मंत्री देश के स्मृति ईरानी की जगह? मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, राजीव प्रताप रूढ़ी। चलिए इसका सही जवाब है, अपने साइट पर आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका सही जवाब है ए राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये पहले ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और जो पीयूष गोयल हैं इनको भी एक अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। अब जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए इनको, पीयूष गोयल को एडिशनली कौन सा मंत्रालय दिया गया। कौन सा भारतीय शहर 2018 में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है? मतलब जो स्वच्छ भारत अभियान का जो सर्वे था, उस सर्वे के अंदर सबसे साफ शहर बन के कौन सा शहर उभरा है? ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब दीजिए। चलिए सही जवाब है सी इंदौर, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन के उभरा है। 19वां सवाल देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल 2018 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी लघु फिल्म बनती है? ये आपको जवाब देना है। कान फिल्म फेस्टिवल का आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से जिस फिल्म को वहाँ पर भेजा गया है आपको उसका नाम बताना है। वाइल्ड एट हार्ट, ट्राया, स्क्वायर, टेस्ट ऑफ चेरी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 19 का सही जवाब है बी राया, आप इसको याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है।
20वां सवाल देखिए, वेनेजुएला के दूसरे 6 वर्ष की अवधि के लिए फिर से चुने गए राष्ट्रपति का नाम बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, आपने साइट पर नोट डाउन कीजिए, निकोलस मदुरे वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं 6 साल के लिए। अपने यहाँ जैसे 5 साल नहीं, वहाँ पर 6 साल है। और आपको ये भी बताना है कि इंडिया में सभी स्टेट में इलेक्शन 5 साल के लिए होता है सीएम का, पर एक स्टेट के अंदर 6 साल के लिए होता है। ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए वो 6 साल वाला कौन सा स्टेट है। 21वां सवाल देखिए, कर्नाटका की उप मुख्यमंत्री के रूप में किनको नियुक्त किया गया। देखिए मुख्यमंत्री सबको पता है एच डी कुमार स्वामी, वो सबने रट्टा मार लिया है, लेकिन हो सकता है कि सवाल थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए और आपसे डिप्टी सीएम पूछ दिया जाए, तो इसको भी याद रखना है आपको। चलिए सही जवाब है बी परमेश्वर, इनको वहाँ पर जी परमेश्वरा कहा जाता है। ये केपीसीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और कर्नाटक के अंदर एक बड़े दलित नेता के तौर पे इनकी पहचान है। अगला सवाल देखते हैं, 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 23 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे, राष्ट्रीय ज्ञापन दिवस, राष्ट्रीय तौलिया दिवस, टैप डांस डे, इनमें से कोई नहीं। टर्टल कछुआ होता है। चलिए 22 का सही जवाब है ए, वर्ल्ड टर्टल डे है 23 मई को, और 23 मई को आपको याद रखना है, इसी तौर पर मनाया गया था। अगले सवाल पर चलते हैं, स्वच्छ एयर इंडिया पहल किसने लॉन्च किया नई दिल्ली में। स्वच्छ एयर इंडिया पहल, ऑप्शन आपके सामने है जी, इनका सही जवाब है मार्क रूट, 23 का डी सही जवाब है। आप ज़रा लिखिए किस देश के प्रधानमंत्री हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा, क्योंकि आज आप लोगों के लिए भी थोड़ा चेक है कि आप कितने तैयार हैं। कई सारे सवालों के मैंने अपनी मर्जी से पूछ करके आपको बोला है कि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। भारत में स्थल खेल विलय कहाँ है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन सारे और इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है सी मणिपुर, मणिपुर में ये खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। 25वां और आखिरी सवाल है, एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल भुगतान बैंक के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए। जिसका सही जवाब है सी अनुव्रता विश्वास, जो हैं वो एयरटेल पेमेंट बैंक के MD और CEO बने हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमने 25 क्वेश्चन पूछा, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मई महीने के करंट अफेयर्स से। आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह से अब तो BPSC का पेपर पास आ गया बिल्कुल, अब तो पेपर बस एक दिन का रह गया, लेकिन इसके बाद भी जो लोग बैंक, रेलवे या SSC की तैयारी करने वाले लोग हैं वो लोग हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अच्छा, बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।